आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं और ये कितने मजबूत रहते हैं और इसकी घिसाई की आवश्यकता होती है नहीं होती और इसे किस नाम से जाना जाता है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ब्लैक, ये 6 इंची का जो आप बॉर्डर देख सकते हैं, इसे हम नॉर्मल ब्लैक के नाम से मार्केट में जानते हैं। और जो बीच में आप ये लगाया गया है लाइट रोजी, इसे हम लाइट रोजी के नाम से जानते हैं। यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं इसकी मजबूती के बारे में। मार्बल से तो ज़्यादा ही मजबूत रहता है क्योंकि इस पर कोई भारी सामान यदि किसी कारणवश गिर जाता है तो ये ग्रेनाइट टूटता नहीं। यदि हम तेजाब और लिक्विड से इसे साफ़ करते हैं तो ये आसानी से साफ़ हो जाता है। इसकी जो क्वालिटी रहती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको वैसे का वैसे ही देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट पर घिसाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको साफ ही देखने को मिलता है। और जिसके कोने कोने हमारे यहाँ पर इसको मिलाना होता है हमारे घिसाई की सहायता से, इसके जो चारों कोने होते हैं कहीं पर ऊपर कहीं पर नीचे आपको कोने कोने दिखाई देंगे जिसको हम एक लेवल करना होता है, इसको केवल यहाँ पर ही घिसाई की जाती है। यदि आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप सीढ़ियों की भी डिजाइन देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं स्टैंड की भी आपको अंदर स्टैंड किचन में भी लेकर चलता हूँ जहाँ पर हमारा स्टैंड लगाए गए हैं, जहाँ पर भी हमने ब्लैक नॉर्मल ब्लैक और लाइट रोजी के नाम से जो ग्रेनाइट था वो लगाए गए हैं। हमने यहाँ पर केवल स्टैंड में अलग से पत्र का काम में लिया गया है, ये भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। पूरे मकान में ही हमने ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे मार्बल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हैं नीचे की जो स्टैंड की जो घोड़ी है वो भी हमने इसी पत्र में से काट के बनाई गई है। और जो 6 इंची का बॉर्डर देख सकते हैं जिस कटिंग कहते हैं, यहाँ पर भी हमने यही पत्र लगाए गए हैं। और जो नाल के जो पावड़े होते हैं उसमें भी यही पत्र हमने काम में लिए गए हैं। आप हमारे चैनल नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।